بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه سمرويه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا، يتبع المیت ثلاثة، تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے. یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. فیرجع اہلہ ومالہ، لیکن اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے. ویبقى عملہ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر امت کو ایک بہت بڑا اصول سمجھایا ہے. شاید کہ اس اصول کو سمجھنے والا اپنی زندگی کی حقیقت سے آشنا ہو جائے، اور وہ اصول یہ ہے کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اس کی محبت اہل و عیال کے ساتھ دیدنی ہوتی ہے، اس کا تعلق اور اس کی محبت مال کے ساتھ بھی عجیب ہوتی ہے، اور بلا شبہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی محبت اعمال صالحہ کے ساتھ بھی بہت ہی عمدہ ہوتی ہے. جس طرح انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، اور زندگی کو بارونق بنانے کے لیے اہل و عیال کی ضرورت ہے، شاید کہ اس سے زیادہ اس کو ضرورت سعادت مند زندگی بنانے کی ہے، اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک انسان اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا تھیم نہیں بناتا. اعمال صالحہ جب انسان پسند کرتا ہے تو پھر اہل و عیال اس پہ توجہ بھی دیتا ہے، اولاد کی اچھی تربیت بھی کرتا ہے، اور اولاد سے پہلے صالحہ تقیہ نیک عورت کی تلاش بھی کرتا ہے.
जो उसके ईमान में उसकी मददगार बन जाए, और अल्लाह के दिए हुए माल को फिर वो अल्लाह की राह में खर्च भी करता है और सिर्फ हलाल की तलब करता है, जिससे ये बात समझ आती है कि असल सआदत, असल खुशबख्ती, असल बख्तवरी इंसान को उस वक्त नसीब होती है जब वो आमाले सालिहा को हमेशा मुकद्दम करता है और उन्हें तरजीह देता है, जिसकी रोशनी में फिर वो अहल वयाल और माल दौलत को जब अपने साथ जोड़ता है तो उसका ये सारे का सारा रवैया और पहलू खूबसूरत और बेहतर से बेहतरीन बन जाता है। लेकिन अगर इंसान आमाले सालिहा पे तवज्जो नहीं देता बल्कि माल में इस कदर धुत हो जाता है तो ये खसारा पाने वाला है। कुरान मजीद में भी अल्लाह जुल्जलाल ने फरमाया है, शगलतना अमवालुना व अहलुना फस्तगफिर लना। लोगों की तरफ से हिकायत करते हुए रब ताला ने ये आयत उतारी कि हमारे माल दौलत ने और हमारे अहल वयाल ने हमें मशगूल कर दिया। जब अहल वयाल और माल दौलत में इंसान इतना मशगूल हो जाए तो फिर इंसान जिस तरह दुनिया में कलक और इज़्तिराब की ज़िंदगी गुजारता है, उसके कब्र के मामलात और आखिरत के मामलात भी पचीदा हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इस बात की ताकीद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ। ईमान का दावा करने वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें अल्लाह के ज़िक्र से तुम्हें गाफिल न करें, और जिसके माल और दौलत ने अहल और इयाल ने उसे अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर दिया और वो गाफिल हो गया तो ये शख्स नुकसान उठाने वालों में से है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अतानी जिब्रील फ़क़ाल, जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और मुझे कहने लगे, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी रखी है उस वक्त तक आप जिंदा रहेंगे, एक वक्त ज़रूर आएगा कि अल्लाह के पास आपको जाना है, और आप जिससे भी दुनिया में मोहब्बत करते हैं एक न एक दिन फिराक तो होगा। वामल मा शित फइन्नक मजज़ीयुम बिह, आप जो भी आमाल बजा लाएंगे उसी का ही बदला दिए जाएंगे। ये एक पैगाम था पैगंबर के ज़रिए उम्मतियों की तरफ, وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ। इस बात का यकीन कर लीजिए कि मोमिन का शरफ और बुजुर्गी रात के क़ियाम और तहज्जुद में, और मोमिन की इज्जत लोगों से मुस्तग़नी रहने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी उन आमाल की तरफ तवज्जो दिला दी जो आमाल उसके साथ रहने वाले हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में ये आमाल साथ रहेंगे तो रहमत इलाही साथ रहेगी,
कब्र और हशर में ये आमाल साथ रहेंगे तो अल्लाह जुल जलाल की खुसूसी रहमत के मुस्तहिक बनते रहेंगे। इंसान जब दुनिया से कब्र की तरफ मुंतकिल होता है, जितनी भी मोहब्बत करने वाली है, उसकी बीवी, उसके अहले अयाल, उसकी औलाद, रिश्तेदार हों, जितना भी उसका माल हो, वो इंसान कब्र में जाके उससे कोई फ़ायदा नहीं लेता सिवाय इसके कि अहले अयाल औलाद उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें, दुआ करें। और बिला शुबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ तवज्जो भी दिलवाई कि अगर उसने माल अल्लाह की राह में पेश किया हुआ है या औलाद उसके लिए दुआ करती है तो इसका उसे फ़ायदा क़ियामत के दिन होगा। यौम ला यनफ़ऊ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन तो ना कोई माल किसी का उसको नफ़ा देगा, ना उसकी औलाद उससे कोई नफ़ा देगी। उस दिन तो नफ़ा मिलने वाला है तो उन लोगों को जिनके कल्ब सलीम होंगे, सलामती वाले दिल लेके आएंगे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये बात भी समझाई थी, इज़ा मात इब्नु आदम इन्क़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास। जब इंसान फौत हो जाता है तो उसका हर अमल मुनक़ते हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के, मिन सदक़तिन जारिया अव इल्मिन युन्तफ़ऊ बिह अव वलदिन सालिहिन यदउ लह। एक सदक़ा जारिया उसके काम आता है, दूसरा वो इल्म जिससे लोग नफ़ा हासिल कर सकें, ऐसा वो इल्म छोड़ के गया, किताबें छोड़ के गया। अव्वल दिन सालिहिन यदउ लह, या औलाद उसके लिए दुआ करती है तो उसे उसका नफ़ा मिलेगा। कैसा नफ़ा? इन रजुल लतुरफ़ऊ दरजतुहु फिल जन्नत, इंसान का दर्जा जन्नत में बुलंद किया जाएगा। वो सवाल करेगा, या रब्बी अन्ना लिहाज़िही, अल्लाह ये दर्जा मुझे कैसे मिला? उसको जवाब मिलेगा, बिस्तिग़फ़ारी वलदिका लक, तेरी औलाद ने तेरे लिए बख्शिश तलब की तो हमने तेरे दर्जे को बुलंद कर दिया। हदीस के अंदर जो तीन बातों का तज़किरा आया है कि इंसान जब कब्र की तरफ जा रहा होता है तो उसके अहल वयाल भी साथ जाते हैं, माल भी जाता है, अमल भी जाता है, लेकिन तीनों की फिर हकीकत भी बयान कर दी। अहल अयाल मौत के बाद उसे कुछ भी नफ़ा नहीं दे सकते सिवाय इसके कि वो इस्तिग़फ़ार करें, दुआ करें। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंसान के अहल अयाल से ज़्यादा अजरबी लोग उस इंसान को नफ़ा देते हैं, वो इस एतबार से कि अहल अयाल को बसा औक़ात माल की हिर्स और हवस इतनी होती है कि वो जाने वाले के लिए दुआएं नहीं करते, वो माल की तकसीम में झगड़ा करते रहते हैं और विरासत को ही लेने और देने के चक्कर में रहते हैं। और वो शख्स जो सारी ज़िंदगी उनके लिए कमाता भी रहा और अपने आप को खपाता भी रहा, वो मिट्टियों के नीचे चला जाता है, लेकिन कितने लोग उसकी दुश्मनी पे लगे होते हैं, औलाद में से भी, बीवी से भी, कि बजाय इसके कि उसके लिए दुआएं करें, बख्शिश तलब करें, वो उसके माल में इस कदर झगड़े और इस तरह परेशानी में चले जाते हैं कि उनको ये याद ही नहीं रहता कि जाने वाला तो सब कुछ छोड़ गया है, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए, कोई सदका कर दिया जाए, उसके लिए दुआएं की जाएं, अल्लाह से उसकी बख्शिश तलब की जाए।
अल्लाह ताला ने इसलिए तो फरमाया था ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम फहज़रूहुम। ईमान का दावा करने वालों, तुम्हारी बीवियों में से और तुम्हारी औलाद में से कुछ दुश्मन होते हैं, इनसे बच के रहना। अजनबी लोग कैसे ज़्यादा फ़ायदा देते हैं? जिन्होंने इल्म सीखा, जिनको मारिफत मिली, वो उनके लिए कसरत से दुआएं करते हैं, उनके लिए सदक़े जारिया बनते हैं। उनकी तमन्ना ये होती है कि दुनिया से जाने वाले हमारे ये मोहतरम, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल इन पे रहमतों का नज़ूल फरमाए, और दिन रात इस बात की दुआएं करते। दूसरी चीज़, माल साथ जाता है। माल किस हैसियत से साथ जाता है? पुराने ज़माने में ग़ुलाम होते, ग़ुलाम भी साथ जाया करते जनाजे का, लेकिन ग़ुलाम कब्र तक तो जाता है, कब्र में तो दाखिल नहीं होता। और आज के दौर में गाड़ियाँ होती हैं, और वो लोग जो मतहती में काम कर रहे होते हैं या जिन पे उसके एहसानात होते हैं, वो लोग कब्र तक जाते हैं, लेकिन दफनाने के बाद वो भी वापस आ जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं, अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, और वो इस सूरत की तिलावत कर रहे थे, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और साथ ये फरमाने लगे, आदम का बेटा ये कहता है, माली माली, मेरा माल मेरा माल, वहल्लक यबन आदम मिन मालिक इल्ला मा अकलता फअफनैता औ लबिस्ता फअबलैता औ तसद्दक्ता फअमदैता। ए आदम के बेटे, तेरा माल तो वही है, तूने खा लिया और उसे हजम कर लिया, ये तुमने पहन लिया और बोसीदा कर लिया, और जो तूने अल्लाह की राह में सदका कर दिया, ये तीन चीजें ही तेरा माल है। सही मुस्लिम की रिवायत ये 2958 कितना बड़ा सबक दे रही है कि असल माल इंसान का है क्या। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने तो ये भी फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है 6442, अय्युकुम मालु वारिसिही अहब्बु इलैहि मिन वाली, कौन है तुम में से जिसके नज़दीक उसके वारिसों का माल उसके अपने माल से ज़्यादा अजीज है। कालू या रसूल अल्लाह, सहाबा कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिन्ना मिन अहदिन इल्ला मालुहु अहब्बु इलैहि मिन माल वारिसिही, हमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको अपने माल से ज़्यादा वारिसों का माल पसंद हो। قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر, उसका अपना माल तो वही माल है जो उसने आगे अल्लाह की तरफ भिजवा दिया, अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, और जो छोड़ के कब्र में चला गया वो तो वारिसों का माल है, वो तो उसका अपना माल नहीं है। तो इंसान माल से नफा नहीं लेता सिवाय उस माल के जो उसने अल्लाह की राह में खर्च किया है, खा लिया पहन लिया वो तो ख़त्म हो गया। हाँ, अगर उसने खाते और पहनते वक्त अच्छी नीयत की है तो उसका भी अच्छा बदला मिलेगा। इसलिए माल भी इंसान को कब्र में फ़ायदा नहीं देता सिवाय उसके कि जो उसने अल्लाह की राह में खर्च किया होता। अबू हाजिम से एक बादशाह कहने लगा, मा बालुना नकरहुल मौत, एक राज तो बताइए, हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया है लेकिन हम पता नहीं मौत को पसंद क्यों नहीं करते।
قال لتعظيمك الدنيا جعلت مالك بين عينيك. آپ لوگ اس لیے موت کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کے نزدیک دنیا بڑی عظیم ہے، یہ مال تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، تم اس سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے. اگر اسی مال کو اللہ کی راہ میں تم پیش کر دو تو تم اس مال کے ثمرات کو چننے کے لیے اللہ کی ملاقات کے لیے تڑپتے نظر آ.